हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वीपीएस और मैं आप सभी का फ्रेंड राहुल शेरावत स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेल्जियम विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स के चेकलिस्ट के बारे में और वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूँ तो चलिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ दोस्तों बेल्जियम विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स की डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बी जाते हैं दोस्तों नंबर वन पर है आपका नेशनल पासपोर्ट और इसमें जब आपका ट्रेवल प्लान ख़त्म होने वाला होता है उसके बाद तीन महीने की वैलिडिटी होना ज़रूरी है नंबर टू पर आ जाता है आपका कंप्लीटेड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपको रिसेंट कलर फोटोग्राफ लगानी होती है और साइज़ इसका होता है फाइव सेंटीमीटर इंटू थ्री सेंट टीमी और इसमें आपका वाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर ग्लू के साथ चिपकाना होता है ना कि स्टैपल करना होता है नंबर थर्ड पर आ जाता है कॉपी ऑफ आइडेंटिटी पेज ऑफ योर पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ योर मोस्ट रिसेंट शन वीज़ा विद फ्रॉम फ्राम फ्रॉम द गारंटर इन बेल्जियम दोस्तों नंबर थर्ड पर आ जाता है पासपोर्ट की आपकी कॉपी जिसमें फ्रंट और बैक आपका होना चाहिए और अगर आपका कोई पहले शनगन में ट्रैवल है तो उसकी कॉपीज़ भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं नंबर फोर्थ पर आ जाता है आपका इनविटेशन लेटर जो कि बेल्जियम से होना चाहिए जिसमें आपका पर्पस ऑफ स्टे एड्रेस टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी और पीरियड ऑफ स्टे आपका सब कुछ मेंशन होना ज़रूरी है इफ़ द गारंटर इज़ इन बेल्जियम इज़ फाइनेंसिंग दाइड ट्रिप अगर दोस्तों जो गारंटर है वो बेल्जियम का है और वो आपकी ट्रिप को फाइनेंस कर रहा है तो उस केस में हमें चाहिए कि आपके पास ओरिजिनल गारंटी लेटर होना चाहिए और इसमें एक आर्टिकल है थ्री बी आई एस लॉ इसमें आपको एक फॉर्म मिल जाएगा वो उनसे लेना होगा साथ उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आपको लेनी होगी और जो आप फॉर्म लेंगे वो लीगलाइज होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी जहाँ पर वो स्टे करते हैं आपके गारंटर दोस्तों नेक्स्ट जो सिक्स है इसमें लिखा हुआ है कॉपी ऑफ आईडी कार्ड या फिर रेजिडेंस परमिट ऑफ द गारंटर मेंशनिंग द राइट टू रेजाइड इन द बेल्जियम फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड तो जो लोग बेल्जियम में रहते हैं तो उनके पास आईडी कार्ड या रेजिडेंस परमिट होता है जिसमें लिखा होता है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर रह सकते हैं नंबर सेवन्थ पर आ जाता है फैमिली कंपोजिशन तो ये फैमिली कंपोजिशन के डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि उनके नियर बाय म्यूनसिपैलिटी में अवेलेबल होते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स उनसे लेना होगा खिलावा जो एथ नंबर है उसमें प्रूफ ऑफ रिसेंट इनकम ऑफ द गारंटर अगर वो आपको फाइनेंस कर रहे हैं तो ऑबियसली उनसे उनके प्रूफ लेने होंगे जिससे ये साबित हो कि उनके पास इनकम आती है जिसमें थ्री लास्ट सैलरी स्लिप होती हैं चाहे प्लस चाइन चाइल्ड बेनिफिट्स हैं तो वो लगा सकते हैं और लास्ट इनकम टैक्स असेसमेंट पेपर फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट इन बेल्जियम फ्रॉम द एप्लीकेंट और जो भी उन्होंने टैक्स पे किया है उसके पेपर्स साथ में लगाने होते हैं नाइन्थ नंबर पर आ जाता है कि लेटर ऑफ एम्प्लॉयर अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एक लेटर लेना होता है जिसमें आपकी इनकम और आपको कितने दिन की छुट्टियाँ उन्होंने आपको दी है वो सभी चीज़ें उसमें लिखी होनी ज़रूरी है अगर इनके इस बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है स्कूल से वैकेशन के लिए कि आप उनको वैकेशन पर लेकर जा रहे हैं तो नंबर टेंथ है प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप इन केस ऑफ फैमिली विजिट दोस्तों अगर आपकी वहाँ पर फैमिली रहती है तो उनकी रिलेशनशिप प्रूफ आपको देने पड़ेंगे उसमें आप अगर स्पाउस हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपका बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट्स उसमें दिखा सकते हैं नंबर एलेवेंथ पर आता है इन केस ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट रीच द एज ऑफ एटीन ईयर्स एंड इज ट्रेवलिंग विद वन ऑफ द पेरेंट्स ओनली और अलोन नोटरी एफिडेविट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अपोस्टाइल्ड दोस्तों पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर कोई माइनर ट्रैवल कर रहा है या तो किसी सिंगल पेरेंट के साथ या फिर अलोन तो उनको एक एफिडेविट देना होता है जो कि अपोस्टाइल होना जरूरी है वो आपको सबमिट कराना होता है नंबर ट्वेल्थ है पर्सनल फाइनेंशियल मीन्स लाइक एट लेटेस्ट थ्री मंथ्स बैंक स्टेटमेंट इनकम टैक्स पेपर सैलरी स्लिप्स तो यहाँ पर आपको तीन महीने की बैंक स्टेटमेंट इनकम टैक्स पेपर्स और जो भी सैलरी स्लिप है वो आपको प्रोवाइड करानी होती है कम से कम तीन महीने की आपको ये सब देना होता है और जो इनकम टैक्स रिटर्न है आप चाहें तो एक साल से तीन साल तक आप लगा सकते हैं नंबर थर्टीन आ जाता है कॉपी ऑफ़ ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड इन बेल्जियम एंड अदर शैनगन कंट्रीज़ कवरेज मिनिमम थर्टी थाउजेंड यूरोज और इक्विवेलेंट अमाउंट इन रुपीज़ थर्टीन उसमें ये बोला गया है कि थर्टी थाउजेंड यूरोज़ का आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें शैनगन एरिया भी कवर्ड होना ज़रूरी है फोर्टीन में बोला गया है टिकट रिजर्वेशन तो आप अपनी टिकट साथ में अटैच कर सकते हैं डमी या कन्फर्म टिकट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट जो इन्होंने अटेंशन करके एक डाला हुआ है कि आपको गारंटीज ऑफ रिटर्न आपको उनको प्रोवाइड करानी है तो जिसमें आपको यहाँ पर दिखाना है कि आपके फाइनेंशियल सोशल टाइप क्या है यहाँ पर और आप अपने देश में क्यों लौटेंगे तो आप उस तरीके से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने एडिशनल दे सकते हैं और जब आप ट्रैवल करने जा रहे हैं आपका मान के चलिए वीज़ा लग जाता है उसके बाद भी हो सकता है आपको इमिग्रेशन टाइम पर आपसे क्वेश्चनिंग हो तो वो फ़ाइल आप तब भी अपने साथ एक बना सकते हैं उसको कैरी कीजिए और रिमार्क्स दोस्तों ये है कि जब आप सबमिट कराने जा रहे हैं अपनी फाइल तो अपना ओल्ड जो भी पासपोर्ट है उसको भी साथ में सबमिट कराइए और जो भी आपने प्रीवियस ट्रैवल किया है और तो उसकी कॉपी भी लगाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है और नेक्स्ट है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इवन इफ नॉट फीचर्ड इन दी फर्स्ट लिस्ट अबाव मे बी रिक्वायर्ड बाय द एम्बेसी तो दोस्तों जो चेकलिस्ट के अलावा भी अगर एम्बेसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए मांग सकते हैं नंबर थर्ड पर आता है यू शुड सबमिट योर एप्लीकेशन मिनिमम वन मंथ बिफोर फॉर द फोर्स इन ट्रैवल डेट तो आपका जब भी ट्रैवल है उससे एक महीने पहले आप कम से कम आपको अप्लाई करना होता है और फोर्थ पॉइंट में यही बताया गया है कि मैक्सिमम जो है आप तीन महीने पहले अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिफ्थ पॉइंट में लिखा गया है कि आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है अगर आप वीज़ा आपका डिजा होता है यही बोला गया है कि जब आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आप अपना जो पर्पज ऑफ विजिट है वो नहीं चेंज कर सकते तो दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो लगभग एटी यूरो फीस जा रही है इसकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक है आप इससे आप लॉग इन करके जा सकते हैं और अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल कर सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमारी एजेंसी का नाम वी पी एस ट्रैवल है और हमारी जो सर्विसेज हैं जैसे कि एयर टिकट आपको डमी और या कन्फर्म चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस होटल बुकिंग अपॉइंटमेंट बुकिंग कवरिंग लेटर के अंदर असिस्टेंस चाहिए इवन हम आइटनरी में भी हेल्प करते हैं और अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन ये व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है दोस्तों इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज है आप चाहते हैं कि टेलीफोनिक आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज चार्जेस होता है जिसमें हम आप आपको थ्रू आउट प्रोसेस के अंदर भी गाइड कर देते हैं आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स